कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी में इस्तीफों की होड़ मच गई। इसी कड़ी में बवाल तब मचा जब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ देने की खबर आई। कहा यह जाने लगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनी, उसी तरह से अब सचिन पायलट भी पार्टी से इस्तीफा देकर अलग हो जाएंगे। सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देंगे। हालांकि अब तक इस खबर पर सचिन पायलट ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ऐसी तमाम खबरों के बीच सचिन पायलट का गुस्सा फूटा है। दरअसल उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री सचिन पायलट ने बीते कल यानी गुरुवार को विधानसभा में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए खुले तौर पर कहा है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बजट नहीं होने के बावजूद विकास कार्यों को स्वीकार किया है। बजटीय प्रावधान नहीं होने से ऐसे कार्यों के टेंडर और वर्क ऑर्डर होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुए। पायलट यहां पर बीजेपी पर अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आए तो वहीं उन्होंने अपनी पार्टी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार अब प्राथमिक आवश्यकताओं के कार्यों को वरीयता के आधार पर करवा रही है। इस दौरान उन्होंने विधायक प्रताप लाल भील के गोगुंदा से बगदुंदा तक सड़क टू लेन करने से जुड़ा सवाल सदन में उठाया था। सचिन पायलट ने कहा कि जो कार्य स्वीकार हो चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इन सब के साथ सचिन पायलट एक बार फिर से काम में लग चुके हैं और अपने इस्तीफे की बात से पूरी तरह मुकर चुके हैं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।